ट्रांसफर के साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाई है, तो वो चीजें यहाँ पे देश में अब हो रही है, वो एक पूरा माइंडसेट चेंज हो रहा है। माइंडसेट चेंज होना सबसे बड़ी बात थी पूरे 10 साल में, अगर हम बात करें तो ये माइंडसेट चेंज सबसे अहम भूमिका निभाया है। तब सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इसमें इस पूरे क्षेत्र के प्रोडक्ट्स तो हैं ही, इसमें रिसर्च कॉन्सेप्ट की भी ये एक बड़ी प्रदर्शनी है, तो किस किस तरह के रिसर्च कॉन्सेप्ट और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाने में और जिस तरह से हम एक विजन की बात कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने में योगदान होगा और इससे कितना फ़ायदा जो है सभी पक्षों को भी मिलता हुआ दिखाई देता है। जी देखिए, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। आप बात करें तो हमेशा देखेंगे कोई भी अगर कंपनी को अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलती है वो तभी मिलती है जब वो रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। आप इसी को मैं लेके जाता हूँ, अगर पिछले 10 सालों में हम देखें देश में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर दिए गए हैं, सबसे ज्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रिसर्च अनुसंधान किया गया है। पहले क्या होता था कि बाहर जाते थे लोग, वो वहां पे करते थे और वो भी पेटेंट वहां के विदेश में हो जाता था, ब्रेन ड्रेन जो कहते थे हम, अब वो नहीं है। अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, देश में लोग आ रहे हैं, देश में लोग आके इसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि ये जिस तरीके से नए लिखे जा रहे हैं पेपर्स, लिखे जा रहे हैं रिसर्च पेपर, लिखे जा रहे हैं रिसर्च पेपर्स, जब लिखे जाते हैं उसको आगे लेके जाते हैं, उस पर शोध होता है और शोध के साथ साथ हम देख पाते हैं कि उसमें नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक जैसे मेरे सामने एक बस है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चल सकती है। अब हाइड्रोजन फ्यूल पे जब आप बस चलाते हैं तो उसका दो फायदे हैं, ए आपका वेहिकुलर पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, दूसरा आपकी जो कॉस्ट है अगर आप उसको बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसकी आपकी कॉस्टिंग भी नीचे आ जाती है। तो ये जो चीजें मैं टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, वो टेक्नोलॉजी तभी आई ना जब किसी ने इस पर रिसर्च किया है कि हाइड्रोजन सेल को किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको यूज किया जा सकता है। और ये बहुत अहम हो जाता है, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आपका वो दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री बार बार इस बात पे अहम जोर देते हैं, अभी परीक्षा के चर्चा पे भी उन्होंने कहा और उन्होंने साइंटिस्ट से भी जब मिलते हैं उन्होंने ये भी कहते हैं कि लोगों को अपनी जो पहले एक होता था एक अपने एक साइलोज में